क्या तुम एक ऐसी दुनिया में रहना चाहोगे जहां पर सभी लोग जॉम्बी बन गए? ऐसा ही कुछ डेडजिला के साथ भी था, और ये सब लोग जॉम्बीज कैसे बने ये किसी को नहीं पता था। और एक ऐसी ही दुनिया में डेडजिला 100 डेज के लिए सरवाइव करने वाला है। 100 दिनों में डेडजिला के कुछ ऑब्जेक्टिव भी हैं। पहला ऑब्जेक्टिव, खाना और हथियार कलेक्ट करो। दूसरा ऑब्जेक्टिव, बाकी सर्वाइवर्स को ढूंढो और अपनी एक टीम बनाओ। और तीसरा ऑब्जेक्टिव, ये लोग जॉम्बीज क्यों बन रहे हैं उसका पता करो। तो क्या डेडजिला ये 100 दिनों में ये तीनों ऑब्जेक्टिव कर पाएगा? आपको क्या लगता है? डे 1 में मैं एक बिल्डिंग को पोस्टपोन हुआ था, जो कि मैं इस पूरे शहर में लोनली फील कर रहा हूँ। तो आई थिंक हमें सबसे पहले किसी सर्वाइवर को ढूंढना पड़ेगा, और यही मेरा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होने वाला है, फाइंड अ फ्रेंड। मुझे एक दूरबीन भी दी गई थी, जिससे कि मैं ओरो के घर में ताका झाकी कर रहा था, लोग ढूंढ रहा था। लेकिन वहाँ पर इंसान तो छोड़ो, इंसान की लाश भी नहीं मिली। तो मैं अंदर की तरफ आ गया, जहाँ पे मुझे काफी सारे ज़ॉम्बीज़ मिले थे। पहले मुझे लगा था ये सिर्फ एक ज़ॉम्बीज़ है, लेकिन ये तो अपनी पूरी गैंग बुला लाया। तो मैं उन सबको चकमा देकर वहाँ से भाग गया। हाँ, अभी क्योंकि मेरे पास टूल वगैरह कुछ भी नहीं है। नीचे की तरफ मुझे एक रसोई मिल गई थी, जहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत खाना मिल गया था, तो मैंने उसे कलेक्ट कर लिया था। नीचे चलने के बाद मुझे अपने देश का झंडा मिल गया था, जिसे देखने के बाद मैं काफी ही ज्यादा खुश था। पर मेरी खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि मुझ पर काफी सारे ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया था। तो मैं बड़ी ही बहादुरी के साथ वहाँ से भाग गया, और सीधा इस बिल्डिंग से बाहर जाके रुका, क्योंकि पहले दिन कौन ही मरना चाहता है। वहाँ से निकलने के बाद मैंने आसपास का एरिया देखा, जिसमें से मुझे ये वाली बिल्डिंग काफी ज्यादा सही लगी, और हम इसे अपना एक बेस भी बना सकते हैं। जैसे ही मैं उस बिल्डिंग के अंदर गया, तो वहाँ पर मुझे एक ज़ॉम्बीज मिल गया था। हाँ भाई सुन ना, संभाल लेके पहुँच। अरे लड़के लोग घुस गए हैं, बंदे लोग को कॉल कर दे। ज्यादा से ज्यादा कितने ही बंदे बुला लेगा? 1, 2 या ज्यादा से ज्यादा 3? सॉरी सर, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे शिट भाई, इतने सारे हैं ये, क्या मैं यहाँ से जिंदा निकल पाऊंगा? ओके से निकल जाऊंगा। गरीबा तुम्हें देख लूंगा, मैं एक दिन आऊंगा, उस पूरे घर को कब्जा करूंगा। अभी तो मेरे पास हथियार नहीं है, इसलिए मैं चुप बैठा हूँ। और यहाँ से भी इज्जत से बाहर आने के बाद, मेरा मतलब धक्के मारकर निकाल दिए जाने के बाद, मैं चला गया था आगे की तरफ, एक नए शहर में, एक नए दोस्त की तलाश में, या फिर एक नया सर्वाइवर। डेडजिला निकल पड़ा है एक नए शहर की तरफ में। क्या इस शहर में डेडजिला को कोई दोस्त मिल पाएगा? ये तो आगे ही पता चलेगा। जैसे ही मैं अगले वाले शहर में गया, तो यहाँ के ज़ॉम्बीज़ मुझे कुछ ठीक नहीं लगे। ये लोग दिखने में भी काफी ज्यादा अजीब थे। ऐसे ज़ॉम्बीज़ का वायरस धीरे धीरे अपने आप को डेवलप कर रहा है। उस ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए मुझे साइड में सीढ़ी दिख गई थी, तो मैं उस सीढ़ी से ऊपर की तरफ चढ़ने लगा था। ऐसा इन ज़ॉम्बीज़ ने ऊपर चढ़ना नहीं सीखा। जैसे ही मैं ऊपर गया, तो मुझे यहाँ पे पता चला कि यहाँ पर तो पूरा गार्डन बना हुआ है, और यहाँ पे खाने की भी काफी सारी चीजें हैं, और ये एक परफेक्ट जगह हो सकती है किसी के सर्वाइव करने के लिए। लेकिन अभी तो मुझे दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा, कहाँ चला गया पता नहीं। उस फालतू टाइम में मैंने उसकी सारी फसलें चुरा ली, ताकि अगर आसपास होगा तो मुझे रोकने जरूर आएगा। और गाइस, अब वो टाइम आ चुका है जब मुझे तुम्हें सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। एक्चुअली में मुझे बचपन से ही लगता था कि मेरे पास सुपर पावर है, और अब वो टाइम आ चुका है जो हम अपनी पावर को अनलॉक करेंगे, क्योंकि मैं कूदने वाला हूँ इस बिल्डिंग से सामने वाली बिल्डिंग पर। और अगर हमने ऐसा कर लिया, तो हम अपनी पूरी पावर को अनलॉक कर लेंगे और बन जाएंगे इस देश के सुपर हीरो। नहीं ओके ओके नहीं बच गया ओके ओके। हाँ मैं कुछ ज़्यादा ही मूवीज देखने लगा हूँ लगता है, लेकिन असलियत में तो कुछ ऐसा हुआ था, मेरा बस पैर फिसल गया था। नहीं शिट ओके ओके नहीं, अभी तो फिलहाल यहाँ से नीचे उतरना पड़ेगा। और वहाँ से नीचे उतरने में मेरी हालत खराब हो गई थी। और हाँ, अब तुम्हें से काफ़ी लोग पूछेंगे कि भाई तू सो कहाँ रहा है रात को? वेल देखो, अमीर लोग ना कहीं भी सो जाते हैं। सच बात तो यह है कि मैं किसी के भी घर में जाके सो जाता हूँ, और कभी कभी तो मुझे उनके घर में से काफी ज्यादा सामान भी मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे मुझे एक पेचकस मिल गया था, और अगले ही चेस्ट में मुझे यहाँ से एक पिस्टल मिल गई थी। तो इसका मतलब अगर कोई ज़ॉम्बीज़ मेरे सामने आ गया, तो मैं उसे इससे उड़ा सकता हूँ। और तुम्हें पता है ना, और भी मैं इससे क्या क्या कर सकता हूँ। तो चुपचाप सब्सक्राइब करो। और थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट करने के बाद मैं सो गया था। और अगले सुबह उस बिल्डिंग से मुझे एक बाइक दिखी थी, जिस बाइक को लेकर हम यहाँ से फरार हो सकते थे। लेकिन पता नहीं क्यों उस बाइक के मालिक ने सिक्योरिटी कुछ ज्यादा ही टाइट कर रखी थी, क्योंकि उस बाइक के आसपास काफी सारे ज़ॉम्बीज़ थे। लेकिन बाइक तो मुझे चाहिए थी, तो मैं नीचे की तरफ आ गया था। यहाँ पर एक ज़ॉम्बीज़ था जो कि नॉर्मल चल रहा था,
तो मैंने सोचा क्यों उस पे बुलेट पेश करना, इसे हथौड़े से मार देते, लेकिन उस ज़ॉम्बीज़ ने तो मुझे ही मेरी औकात दिखा दी, तो मुझे उसे पिस्टल से ही मारना पड़ा। और यहाँ पर मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि जितने हमारे डे आगे बढ़ते जाएंगे उतने ही ज़ॉम्बीज़ यहाँ के खतरनाक होते जा रहे हैं। वहाँ पर कुछ ज़ॉम्बीज़ और थे तो मैंने उन्हें ही मार दिया था। फटाफट से बाइक लेके वहाँ से भाग गया था, इससे पहले इस बाइक का मालिक आ जाए। बाइक लेने के बाद मैंने काफी सारे इंपॉर्टेंट काम करे, जैसे कि टाइम वेस्ट करना। पता नहीं यार, ये रात होती सारे ज़ॉम्बीज़ सड़क पे क्यों आ गए, और इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को देखने के बाद मेरे अंदर कबीर सिंह की आत्मा आ गई और मैंने बाइक के पानी में कुदा दी। वैसे हम तैर के भी जा सकते हैं। अगले सुबह रास्ते में मुझे एक मैगडी मिल गई थी, जहाँ से हम थोड़ा बहुत खाना कलेक्ट कर सकते थे। इस वाली मैगडी में खाना कुछ ज़्यादा ही है, नाइस है हमारे लिए, ठीक है। ओके, खाना तो मुझे काफ़ी सारा ही मिल गया है, अब बस मुझे एक रहने की जगह ढूंढनी है। काफ़ी अजीब बात है, आसपास कोई भी ज़ॉम्बीज़ नहीं दिख रहा, क्या कोई मेरा पीछा कर रहा है? लगता है मैं कुछ ज़्यादा सोचने लगा हूँ। वो तू कौन है और ऐसे कौन रहता है? अरे डर मत, मैं भी एक इंसान हूँ। इंसान इंसान के रूप में शैतान है तू। मिली एक गब्बर से। गब्बर एक सोल्जर है, लेकिन जब ज़ॉम्बीज का हमला हुआ तो इसके सारे साथी मारे गए। गब्बर को बंदूकों की काफी जानकारी है, तो क्या आप डेडज़िला और गब्बर मिलकर यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे? आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताना मुझे। और अगले कुछ दिनों तक मैं और गब्बर साथ में रहे थे, और रात में हमने काफी सारे ज़ॉम्बीज़ भी मारे थे, और उन मुश्किल हालातों में हमने काफी बहादुरी से उनका सामना किया। गब्बर, मेरे पास काफी सारे ज़ॉम्बीज़ हैं भाई, मैं भाग रहा हूँ भाई, बहुत सारे आई है। मैं गया। अरे वो तो मैं डरने की एक्टिंग। ओके सॉरी। आगे चलने के बाद हमें एक घर मिला था, लेकिन पता नहीं क्यों उस घर में एक बेड नहीं था, तो हमें पूरी रात खड़े खड़े बितानी पड़ी। अगली सुबह होते ही हम दोनों ने अपना काम आधा आधा बांट लिया था। ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए जितने भी गोला बारूद चाहिए वो सारा गब्बर ढूंढ के लाएगा, और मेरा काम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर मैंने वो नहीं किया तो हम दोनों ही मारे जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरा काम था खाना ढूंढने का। अरे मैडम, 20 वाली टिक्की खाओगे या 30 वाली? अब पता चला तुम्हें कि वीडियो इतनी लेट क्यों डालता हूँ मैं पार्ट टाइम यही करता हूँ क्योंकि तुम में से कोई एक हरामी बंदा है जिसने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्या वो तुम तो नहीं? तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर देना। तू यहीं रुक, मैं गाड़ी लेके आया। तेरे पास गाड़ी भी है? तूने पहले क्यों नहीं बताया? अरे तू तो साइकिल से ही चोर लगता है, पति है, बता देता हूँ। एक शोरूम मिला था रास्ते में, वहाँ से उठा ली मैं। कुछ तगड़ी गाड़ी लेके आएगा, मैंने मूवी में देखा है कि ऐसे टाइम में लोग बहुत मस्त मस्त गाड़ी लेके आते हैं। इसके बाद भी कुछ ना कुछ तो होगा खतरनाक सा। भाई साहब, ये गाड़ी है, ये छोटे बच्चों का खिलौना नहीं लग रहा? अरे तो क्या करूँ, टॉय स्टोर में तो ये मिली थी। तो मैं कहाँ बैठूँ? ऐसे क्या देख रहा है, तेरी भी पीछे खड़ी है, आजा मैं दिखाता हूँ। तेरे पास एक एक्स्ट्रा थी, कोई ढंग की बाइक चला लेता यार। काफी दिनों तक हम सुबह को खाना कलेक्ट करते थे और रात को ज़ॉम्बीज़ मारते थे, फिर से खाना कलेक्ट करते थे और फिर से ज़ॉम्बीज़ मारते थे, और काफी दिनों तक हमारा बस यही चल रहा था। और फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि इस वाले शहर से निकलते हैं, क्योंकि इस वाले शहर में काफी सारे ज़ॉम्बीज़ थे और यहाँ पे रहने की कोई भी सेफ जगह नहीं थी। लेकिन फिर हम दोनों जा पहुंचे एक नए शहर में। शहर में आने के बाद हमने एक घर डिसाइड किया जहाँ पे हम रह सकते थे। उस घर के आसपास एक तबेला भी था, तो हमें यहाँ पे थोड़े बहुत घोड़े मिल जाएंगे, और हमें ये वाला घर काफी ज्यादा पसंद आ गया था। बस ये मत पूछना क्यों पसंद आ गया। तूने पिंक पहना है तो तू गे। जैसे ही हम उस वाले घर में गए तो मुझे एक तीर लगा था, और तो मुझे समझ में आ गया कि इस वाले घर में कुछ ट्रैप लगी है, और आई थिंक ये ज़ॉम्बी से बचने के लिए लगाए गए थे। जैसे ही मैं उस घर के अंदर गया था तो वहाँ पे मुझे एक चेस्ट दिखी थी जिसके अंदर काफी सारा खाना था। लगता है इस घर के मालिक ने अपने पूरे साल का खाना एक चेस्ट में रख रखा है, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। ऊपर जाने के बाद मुझे एक सैमुराई का आर्मर मिल गया था। ऊपर जाने के बाद मुझे यहाँ पर काफी सारे कुत्ते दिखे थे जो कि मुझ पर घुर्रा रहे थे, और जैसे कि तुम लोग जानते हो कि मेरे और कुत्तों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती है। पता नहीं मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे पीछे पड़ जाते हैं और कभी कभी तो काट भी लेते हैं, सिर्फ मिसाती ही होता है। और अगली सुबह होते ही हमारे घर के बाहर कुछ ज़ॉम्बीज़ अटैक कर देते हैं, तो हम उनसे लड़ने लगते हैं। और एक गब्बर, इसमें कुछ पावर है भाई। अबे यार मेरी गन गोली खत्म, मैं गया, बचा मुझे मारो। मेरे भाई मैं छील भी नहीं पा रहा और मेरी गोलियां खत्म हो गई, मैं भाग रहा हूँ। ओके इधर हट गया, मैं जा रहा हूँ। तेरे पास कितनी गोलियां हैं? मुझे गोलियां चाहिए, मुझे गोलियां चाहिए। लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी, और हमें नहीं पता कि आगे कितने सारे ज़ॉम्बीज़ होने वाले हैं, तो उसके बाद हमने उन सबको मारना शुरू कर दिया। ओह शिट, ये बहुत ज़्यादा है बे। अब मुझे नहीं पता भाई, मेरी गोली ख़त्म होने वाली है ये। ओह भाई मार। ओके मरे बच्चे, तू भी मर, बस मरने वाला है। ओके ख़त्म, तो सारे मार दिए। उनसे गोलियाँ ड्रॉप हो रही है क्या?
ज़ॉम्बीज़ को मारने पे गोलियां मिल रही हमें। अरे तेरे पीछे कुछ सिल्वर फिश आ रही है। कुछ है क्या? ओए भाई सिल्वर फिश, ये भाई ये कहाँ से आई? ओके मर जा। ओके ओ भाई नहीं नहीं, अबे ये आ कहाँ से रही है? मैं ब्रो यहाँ से निकलना पड़ेगा। बाहर के सारे ज़ॉम्बीज़ मारने के बाद काफ़ी रात हो चुकी थी, तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम अंदर जाते हैं और सो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर हमारे साथ एक हादसा हो गया था। अबे धमाका कैसा था? बाहर से आया, विंडो टूटी है। क्या ये ज़ॉम्बीज़ इतने इन्वॉल्व हो चुके होंगे क्या? अभी तो डे 53 चल रहा है यार, इतना तो नहीं होना चाहिए अभी इतनी जल्दी। एक काम कर, तू नीचे जाकर देख, मैं ऊपर से नजर रखता हूँ। हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ। उस रात डेडज़िला और गब्बर काफी डर गए थे, और ग्रेनेड किसने फेंका किसी को नहीं पता, लेकिन वे लोग इतना जरूर जानते थे कि ये कोई ज़ॉम्बी नहीं कर सकता। तो अब हमारा क्या प्लान है? क्या हम यहाँ पे और रुकने वाले हैं या फिर हम कहीं और जाएंगे? हालातों को देखते हुए तो यहाँ से जाने का प्लान है। लेकिन यहाँ पे इतना मजा तो आ रहा है। अब वैसे ऐसे टाइम में एक लड़की का अकेले में घूमना सेफ नहीं है, तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। क्या ये ज़ॉम्बी है क्या? भागो मेरे तो लग गए। तो गाइस इससे हमें ये सीख मिलती है कि अनजान लड़कियों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, बस इतने बोलना चाहूँगा। बाय बाय। उसके बाद हमने वापस से ज़ॉम्बीज़ को मारना शुरू कर दिया था, क्योंकि अगले दिन भी काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ स्पॉन हो चुके थे, और गब्बर भी मेरी काफ़ी मदद कर रहा था इन सारे ज़ॉम्बीज़ को मारने में। उन सबको मारने के बाद हमने आसपास का एरिया थोड़ा और एक्सप्लोर करा, और हमने बाकी घरों को लूटा, जिसमें से एक घर में से मुझे बंदूक मिल गई थी, उसमें काफ़ी सारी गोलियां भी रखी थी, और ये मेरी पहली ऑटोमेटिक गन होने वाली है। इससे पहले मुझे पिस्टल ही मिली थी बस, तो मुझ पर रुका नहीं गया तो मैंने फायर कर दी। वैसे कांच मैं बाद में लगा दूंगा। मुझे थोड़ी बहुत पोशन भी मिली थी इंस्टेंट हेल्थ के, लेकिन जो अभी यहाँ से निकलना था तो मुझे उसके लिए गाड़ी ढूंढनी थी, लेकिन गाड़ी तो उस गांव में कहीं भी नहीं मिली थी, पर मुझे एक ट्रैक्टर जरूर मिल गया था। वैसे गाइस देखो इसे चोरी करना नहीं बोलते, बस मैं थोड़ी देर के लिए इसे बोरो कर रहा हूँ। वैसे मैं वापस इसे सही सलामत यहाँ पे रख दूंगा, बस तुम दुआ करो कि मैं जिंदा बचा रहूँ, क्योंकि मैं मर गया तो कौन ही देना आएगा से। हमें आज इस वाले गांव से निकलना था, लेकिन रात कुछ ज़्यादा हो गई थी, तो हमने डिसाइड किया कि आज रात रहने देते हैं, क्योंकि रात में काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं, बस समझो यार। और हम दोनों वापस से वहीं जाके सो गए, बस इस बार कोई बम ना फोड़ते। और सुबह होते ही हम दोनों ने इस गांव को कहा अलविदा और निकल पड़े अपने नए शहर की ओर। लेकिन रास्ते में हमें काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज मिल गए थे, जिसमें से एक ज़ॉम्बीज काफ़ी ज़्यादा अलग था, क्योंकि वो इंसानों की तरह दिख रहा था, उसने आर्मर नहीं पहना हुआ था, तो आई थिंक वो वाला हमला भी सहसे कोई ज़ॉम्बीज ने किया होगा। ज़ॉम्बीज इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, हमें इतना बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और इस वाले रास्ते में तो काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज थे जो हम पे अटैक कर रहे थे। अरे ऊपर पार से आ रहे हैं, अरे गबर पीते पीछे। ओके भाई इसके पास पावर है, ये नॉर्मल ज़ॉम्बीज नहीं है। ओए मत नहीं रहा, ओके 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 गया, बस ये लास्ट है ना। ओके खत्म, आगे चलते हैं। और इन सब ज़ॉम्बीज़ को मारने में मेरी गब्बर भी काफ़ी मदद कर रहा था। गब्बर की स्पेशलिटी मिड रेंज गन और लॉन्ग रेंज गन में है, तो इस वजह से वो दूर रहकर मुझे कवर देता है। वहाँ से सारे ज़ॉम्बीज़ मारने के बाद हमने उनकी चेस्टें लूटी थी, जिसमें से हमें थोड़ा बहुत खाना मिल गया था और थोड़ी सी एमो मिल गई थी। रात काफ़ी हो गई थी तो हम उसी घर में सो गए थे, लेकिन सुबह के टाइम पे बाहर पे काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ स्पॉन हो चुके थे, और अब जैसे दिन आगे बढ़ रही है उसी हिसाब से ज़ॉम्बीज़ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी स्पॉन हो रहे हैं। ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। गब्बर भाई प्लीज़ बचा लो मेरी गन, मैं दिखाता हूँ कैसे मारते हैं। बूम बूम मर गया। वहाँ के सारे ज़ॉम्बीज़ मारने के बाद हम आगे की तरफ बढ़ चुके थे। यहाँ पर मुझे एक दुकान भी दिखी थी, जिसके अंदर थोड़े बहुत टीएनटी रखे थे, और इस चेस्ट में मुझे यहाँ पर थोड़े बहुत फायरवर्क मिल गए थे, तो मैंने उन्हें भी कलेक्ट कर लिया था। क्या करूँगा ये मत पूछना बस। आगे जाने के बाद हमें एक घर से बाइक भी मिल गई थी, और जैसे कि तुम सब जानते हो कि मैं बाइक काफ़ी अच्छी चलाता हूँ। फ्लैशबैक। देखो पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए, तो मैंने इस बार बाइक गब्बर को चलाने के लिए दे दी और चुपचाप मैं पीछे बैठ गया। और बाइक उठाने के बाद हम दोनों निकल पड़े थे एक नए सफर की ओर। एक मिनट, किलेन में कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा। काफ़ी
काफी देर चलने के बाद हम एक और नए शहर में आ गए थे और ये एक मॉडर्न शहर लग रहा है। आई थिंक यहाँ पर हमें कुछ गन्स और एमो मिल जाएगी। रात को रुकने के लिए हमें एक घर चाहिए था, लेकिन उन घर में काफी सारे ज़ॉम्बीज़ थे, तो गप्पन ने ग्रेनेड मार के उन सबको मार दिया और उस रात हम वहीं पे सो गए थे। और अगली सुबह होते ही हम दोनों वहाँ से भी रवाना हो गए और रास्ते में हमें काफी सारे ज़ॉम्बीज़ मिले थे, तो हमने उन सबको ही मार दिया था। और वहाँ पे हमें मिली एक जेल, उस जेल में काफी सारे कैदी थे लेकिन वो अब सब ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि इसके अंदर जाती है और इन सारे ज़ॉम्बीज़ को मारते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें थोड़ी बहुत गन और एमो मिल सकती है। तो हम दोनों ने उस गेट को तोड़ना शुरू कर दिया। अभी भी तोड़ी रही है, बस टूटने ही वाला है। और फाइनली वो जाके टूट गया था और उसके बाद हमने उन सारे ज़ॉम्बीज़ को मारना शुरू कर दिया था। इन ज़ॉम्बीज़ में कुछ एबिलिटी भी है जिसके ऊपर येलो बार आ रहा है, इसका मतलब उस ज़ॉम्बीज़ के पास कुछ ना कुछ स्पेशल एबिलिटी है। अबे मार क्यों नहीं रहे? और ये वाला नहीं मर रहा क्या है? वो बीमारियाँ सारे गए ना। अबे ये कैसे ज़ॉम्बीज़ है भाई? गबर यहाँ से निकल। अरे ये कैसे ज़ॉम्बी? आज से पहले ऐसे ज़ॉम्बी तो मैंने देखा ही नहीं है। मैंने कौन सा देखा है? यहाँ से निकलो, यहाँ से। ओ शिट, मैं कुछ देख नहीं पा रहा, मैं बाहर जा रहा हूँ। एक तो ब्लैकआउट हट नहीं रहा। ओके हट गया। अबे तुम दोनों जल्दी से आके गाड़ी में बैठो। क्या इंसान है? गबर जल्दी इसकी गाड़ी में बैठ, दिख तो इंसान ही जैसा रहा है। और तुम दोनों को इसमें जाने के किसने बोला था? हमें लगा हम यहाँ से थोड़े से हथियार ले सकते हैं, बस और कुछ नहीं। दिख थैंक यू हमें बचाने के लिए, लेकिन गाड़ी रोक अभी है। पहले हमें ये बता तू है कौन? मैं सप्लायर हूँ। सप्लायर? तू ड्रग्स तो नहीं बेचता? बेचता नहीं, सप्लाई करता हूँ। वैसी वाली मतलब? वैसी वाली मतलब? अरे उनके काम के लिए। किसके काम के लिए? तू किसके लिए काम करता है? मुझे पता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। कहाँ से हुई है मुझे पता। उस जगह का नाम है गेटवे ऑफ डेस्टिनी। गेटवे ऑफ डेस्टिनी, ये एरिया कई सालों से आम लोगों से छुपा हुआ था। बस कुछ ही लोगों को गेटवे ऑफ डेस्टिनी के बारे में पता था। यहाँ साइंटिस्ट नए नए एक्सपेरिमेंट करते थे और एक एक्सपेरिमेंट के चलते गलती से एक चैम्बर से कुछ गैस लीक होने लगी और धीरे धीरे पूरे एरिया में फैल गई, जिससे सारे साइंटिस्ट ज़ॉम्बीज़ बन गए और वो गैस पूरी दुनिया में फैल गई। बस कुछ ही लोग हैं जो अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बने। और गेटवे ऑफ डेस्टिनी जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था बाय एयर, और उसके लिए हमें एयरपोर्ट से एक जेट चुराना होगा। तो हम लोग चले जाते हैं एयरपोर्ट की तरफ। जैसे जैसे डेडज़िला और गब्बर आगे जा रहे हैं, वैसे वैसे ये पहेलियां सुलझती ही जा रही है। और अब डेडज़िला और गब्बर निकल गए हैं इस नई पहेली को सुलझाने, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला। एक मिनट, यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे गाड़ी पीछे, गाड़ी पीछे। यहाँ पे कुछ बहुत भाई, यहाँ से निकलो। मैं चाह रहा भाई, मेरा हो गया यहाँ से। आज मुझे तो भागने दे, अभी बहुत सारे ज़ॉम्बी से। मेरी मदद करेगा कोई? देखो मैं भाग नहीं रहा था, वो बस मैं एक अच्छी लोकेशन ढूंढ रहा था जहाँ से मैं उन्हें मार सकूं। और उसके बाद मैंने काफी सारे ज़ॉम्बीज भी मारे थे। और ये म्यूटेंट ज़ॉम्बीज देखने के बाद मुझे पता चल गया था कि हम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बच पाएंगे, क्योंकि अभी हमने एक म्यूटेंट ज़ॉम्बीज पीछे देखा था और अभी यहाँ पर भी एक है। तो मतलब ज़ॉम्बीज का वायरस अपने आप को कुछ ज्यादा ही तेजी डेवलप कर रहा है। काफी देर उस म्यूटेंट ज़ॉम्बी से लड़ने के बाद फाइनली वो जाके मर गया। लेकिन एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए हमें दीवार कूदनी होगी। हाँ ठीक है, पहले मैं जा रहा हूँ। ओके मैं आ गया। अरे तू ये ऊपर कैसे चढ़ा? उसके लिए एक टेक्निक होती है। एयरपोर्ट के अंदर भी हमें काफी सारे ज़ॉम्बीज़ मिल गए थे और काफी देर ढूंढने के बाद हमें फाइनली एरोप्लेन मिल गए थे। और वहाँ के ज़ॉम्बीज़ भी काफी ज्यादा खतरनाक थे, क्योंकि वो हम पे TNT से अटैक कर रहे थे। लेकिन कुछ देर फाइट करने के बाद हमने उसे मार दिया था और एरोप्लेन लेकर वहाँ से निकल गए थे। एरोप्लेन मिलने के बाद डेडज़िला और बाकी सब निकल गए गेटवे ऑफ डेस्टिनी को ढूंढने। लेकिन अब गेटवे ऑफ डेस्टिनी के पीछे की दुनिया वैसी नहीं रही, अब तो वहां पर ज़ॉम्बीज का ही राज है। लेफ्ट की तरफ एक म्यूटेंट ज़ॉम्बीज है। ओए वो अटैक करने वाला है, मैं गया। अब ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं सामने वाली बिल्डिंग में जा रहा हूँ, मेरे पास पैराशूट है। तुम लोग अगले वाली बिल्डिंग में जाके लैंड करो। ओ भाई डेडज़िला जल्दी से नीचे कूद तू। प्लेन क्रैश होने के बाद मैं पैराशूट से इस वाली बिल्डिंग में लैंड होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस वाले पैराशूट में एक लिमिट है कि हम कुछ टाइम तक ही इस पैराशूट का यूज कर सकते हैं, उसके बाद ये पैराशूट फट जाता है और अब हम इसे दोबारा यूज नहीं कर सकते। इस वाली बिल्डिंग में काफी सारे ज़ॉम्बीज़ थे, तो मैंने एक एक करके उन्हें मार दिया था। और ऊपर से गब्बर और आरिये भी मेरी काफी मदद कर रहे थे, क्योंकि वे बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग में लैंड हुए थे। लेकिन पता नहीं क्यों वे ज़ॉम्बीज को कम मुझे ज्यादा मार रहे थे। अरे बंद करो भाई यार, बस रुक जाओ, हो गया, मैं खुद कर लूंगा। उस वाली बिल्डिंग में एक म्यूटेंट ज़ॉम्बीज भी था और काफी देर लड़ाई करने के बाद फाइनली मैंने उसे मार दिया था। और जिस बिल्डिंग में आर्य और गब्बर लैंड हुए थे, उस बिल्डिंग में भी काफी सारे ज़ॉम्बीज थे।
लेकिन उन दोनों ने मिलकर उन सबको मार दिया था। और उसके बाद हम सब वापस से एक साथ आ गए थे और अब हमें बस वो बिल्डिंग ढूंढनी है जिसमें से टॉक्सिक गैस रिलीज हो रही है। और ये सब बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था क्योंकि हमारे सामने काफी सारे ज़ॉम्बीज थे। अब यहाँ पर कितने सारे ज़ॉम्बीज हैं, ये तो मर भी नहीं रहे। और शिट, वो मेरे पीछे आ रहा है, मेरे को कवर दो भाई, ये मारेगा, यहाँ से निकलो, ये नहीं मरेंगे इतने सारे, तो बिल्कुल नहीं मर पाएंगे हम तो। ओके अभी पीछा कर रहे हैं। और जैसे जैसे हम सिटी के अंदर जा रहे हैं उसी हिसाब से ज़ॉम्बीज भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। ओए इधर आओ, यहाँ पे जीना है, ऊपर चलते हैं, यहाँ पे और देर रुके तो मर जाएंगे। अबे ऊपर भी काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज हैं। अबे यार ये ख़त्म क्यों नहीं होते, बहुत सारे। ओके मेरे को मेरी हेल्प बहुत ज़्यादा है, मुझे कवर दे। सुन डैड जिला, जल्दी इधर आ, मुझे वाली बिल्डिंग मिल चुकी है जहाँ से गैस लीक हो रही है। हाँ किधर है? ओके मुझे भी दिख गई, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? इस ज़ॉम्बी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हम में से किसी एक को रुकना पड़ेगा। हाँ ठीक है मैं रुकूंगा, तुम लोग यहाँ से जाओ। तो गब्बर मेरे साथ आओ, तुम लोग जल्दी यहाँ से निकलो, अब हमारे पास और टाइम नहीं है। अरे जल्दी चलो यहाँ से। ठीक है चलो। सारे ज़ॉम्बीज मेरी तरफ ही आ रही है, दूसरी तरफ का एरिया खाली हो गया होगा तो तुम वहाँ से पूछ सकते हो। फाइनली चैम्बर बंद करके आना, अब इन ज़ॉम्बीज को देखते हैं। ओह शिट, गोलियां खत्म। एक तरफ डेडज़िला ने सारे ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी ओर किया और दूसरी तरफ गब्बर और आर्या फ्लिक्स दोनों उस लीक चैम्बर को बंद करने निकल गए। लेकिन इस दुनिया में हर एक चीज एक कीमत पर ही मिलती है और यहां पर वो कीमत खुद डेडज़िला था।